कोरबा के शारदा विहार वार्ड क्रमांक 12 के अंतर्गत आने वाले चिमनी भट्टा इलाके में बच्चों में आपस में हुए सामान्य विवाद की घटना को लेकर परिजन सामने आ गए। पत्थरबाजी से शुरू हुआ सिलसिला शराब देने तक जा पहुंचा। इसी बात को लेकर मारपीट भी हो गई। मानिकपुर चौकी से लेकर एसपी के पास इस मामले की शिकायत की गई है। चिमनी भट्टा क्षेत्र मानिकपुर पुलिस चौकी के अंतर्गत आता है, जहां पर यह घटना हुई। इस क्षेत्र में रहने वाली प्रतिमा ने बताया कि उसके बच्चे का पड़ोसी के बच्चे से झगड़ा हुआ था, लेकिन इसे शांत करा दिया गया। बाद में मधु के द्वारा बच्चे को श्राप देने की बात कही गई और इसी को लेकर झगड़ा बढ़ा। उसके साथ तीन लोगों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। लड़का लड़का झगड़ा हुई है, मारपीट आई तो मन तो लड़का मारते करके कही तो लड़का में मारे हूँ तो मन सरापत रही ना, तो मैं सर आप मत मड़वा रानी बोकरा चेगा मर जाए पटपट आगे मोर बेटा ला तो मैं अतका दुख के कोमल बचा हूँ लड़का ते काबर सरापत हस करके बोला समझाए गए लड़का लड़का के चक्कर में काबर तुमन इसने करा था करके तो मन पीछू ला के मारी दी नहीं। इस मामले में दूसरे पक्ष की ओर से मधु रानी ने बताया कि उसके घर पर बच्चों ने कई बार पत्थर फेंके। जब इसे रोकने के लिए कहा गया तो प्रतिमा और घर के लोगों ने मारपीट की। मानिकपुर चौकी में मामले की शिकायत की गई है। पहली ओकर बेटा है पत्थर मार के गिर से एक बार मारी तो मैं कहे चल हटा लड़का है कहे तब फिर से भेज दी दरवाजा में जा रहे मार के आवे कौन का करही तेल देखबो सब कोई मारबो घर घुसते तहा फिर बोले दीदी मारा तू हर बेटा है समझा लो कहके तहा उतना बोल के जैसे घुसे हन उसने ना ओमा मारिन है और बेट में और पाइप में पत्थर ईटा पूरा ओकर लड़का उन घर घुस के मारे। दोनों पक्षों के द्वारा मानिकपुर पुलिस से मामले की शिकायत की गई है, जिस पर अगली कार्रवाई की जा रही है। वहीं एक पक्ष ने कार्रवाई पर असंतोष जताते हुए पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत की है। पुलिस के द्वारा इस मामले में जांच शुरू कर दी गई है। एसीएन न्यूज के लिए पवन तिवारी के साथ मनोज यादव की रिपोर्ट।